दोस्त आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ एक बुआ की जवानी में कदम रखते ही अपने 24 साल के भतीजे पर दिल आ गया था। एक रात जब घर के सभी परिवार के लोग सो गए तब उसने मौका देखकर अपने भतीजे के रूम में चली आई और उसके बगल में जाकर लेट गई। उसके बाद जो हुआ आपको देख लो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक गांव से निकलकर सामने आई थी। यहां 20 वर्षीय पिंकी अपने माता पिता और भाई भतीजे के साथ रह रही थी। पिंकी अपनी जवानी की पहली सीढ़ी ही चढ़ी थी कि उसकी जवानी उफान मारने लगी थी और उसे जिस्म की भूख सताने लगी थी, जिसके बाद वे अपनी जिस्म की भूख को पूरा करने के लिए ठुकाई ऑपरेटर की तलाश में जुट गयी। लेकिन कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद जब उसे कोई ठुकाई ऑपरेटर नहीं मिला तो वे बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किसके पास जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी निगाह अपने 24 साल के जवान भतीजे दिव्यांशु पर पड़ी। जैसे ही उसकी निगाह अपने जवान भतीजे दिव्यांशु पर पड़ी तो उसके मन में प्यार की लहरें उठने लगी, लिहाजा उसके प्रति वासना जाग गई। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई और वहां से वापस अपने रूम चली आई और रात होने का इंतजार करने लगी। इधर जैसे ही रात हुआ और परिवार के सभी लोग खाना पानी खाकर अपने बिस्तर पर गए तो उसके थोड़ी देर बाद पिंकी भी अपने रूम में चली गई और बिस्तर पर लेटकर भतीजे से मिलने के लिए प्लान बनाने लगी। कुछ देर प्लान बनाने के बाद जब रात के 12 बजे तो पिंकी अपने बिस्तर से उठकर चुपके से जवान भतीजे दिव्यांशु के रूम में चली आई और लाइट ऑफ करके उसके बगल में आकर लेट गई। इधर जैसे ही बुआ का शरीर भतीजे दिव्यांशु के शरीर में टच हुआ तो वह तुरंत जाग गया और बगल में लेटी हुई बुआ की पहचान करने लगा। लेकिन कमरे में अंधेरा था। तभी वह अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो दंग रह गया और बोला, बुआ तुम इतनी रात को हमारे पास क्या कर रही। तभी वह कहने लगी, कुछ नहीं भतीजे, आज रात को मैं डरावना सपना देखकर बहुत डर गई थी, इसलिए मैं आपके पास आकर लेट गई। यही कहते हुए उसकी बुआ उससे चिपक गई और हरकतें करने लगी। जैसे ही उसकी बुआ ने हरकतें करना शुरू किया तो जवान भतीजे की नियत बुआ पर बिगड़ गई। फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध स्थापित कर लिया, जिसके बाद बुआ आए दिन रात के अंधेरे में भतीजे के रूम में जाकर उसके साथ अपने जिस्म की भूख को पूरा करने लगी थी और धीरे धीरे जवान भतीजे को अपना ठुकाई ऑपरेटर बना लिया, जिसके बाद दिव्यांशु को भी बुआ के साथ रंगरेलिया मनाने में मजा आने लगा था और बुआ के एक इशारे पर वह तुरंत पहुंच जाता था। इसी तरह दोनों का ये सिलसिला करीब 3 महीने तक परिवार वालों की चोरी छुपे लगातार ऐसे ही चलता रहा। इस बीच जब भी दोनों को मौका मिलता तो दोनों एक दूसरे के साथ मजे से शारीरिक संबंध बनाने में लग जाते थे। एक रात की बात है जब बुआ और भतीजे एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे थे, तभी अचानक पिंकी की माँ ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और तुरंत इसकी जानकारी अपने बड़े बेटे यानी दिव्यांशु के पापा को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों को बहुत डांटा और समझाया, लेकिन उसके बाद भी दोनों ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे थे, जिससे परेशान होकर दिव्यांशु के पापा ने एक दिन गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया और बेटे दिव्यांशु की गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। दिव्यांशु की मौत की खबर सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद मामले की जांच करते हुए आरोपी पिता गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो दोस्तों बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें।